मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की शहीद तेजपाल सिंह के परिजनों से मुलाकात। 19 अगस्त को लेह में शहीद हुए थे नूह जिले के संदेल गांव के तेजपाल सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नूह जिले के गांव संदेल पहुंचकर शहीद तेजपाल सिंह के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। अमर बलिदानी को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान के सैनिक दुनिया में सबसे अनुशासित और बहादुर हैं। हमारे सैनिकों की बदौलत ही हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। देश की खातिर हमारे जवान अपना सर्वस्व बलिदान देने को हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार शहीदों के परिजनों के साथ खड़ी है। शहीदों के लिए हर संभव मदद करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने शहीद के बच्चों व परिवारजनों के बारे में बात की। गौरतलब है कि 19 अगस्त को लेह से 6 किलोमीटर दूर नौमा तहसील की क्यारी नामक जगह पर सेना का एक ट्रक अचानक खाई में जा गिरा था। इसमें सेना के 10 जवान सवार थे। इस सड़क हादसे में हरियाणा के नूह जिले के संगेल गांव का रहने वाला तेजपाल सिंह भी शहीद हो गया था। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से गांव के विकास कार्यों के बारे में भी बातचीत की। ग्रामीणों द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों के संबंध में सीएम ने कहा कि इस बारे में लिखित में दे ताकि उन पर विचार करके आगे की कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री ने शहीद के पिता जयवीर से काफी देर तक बातचीत की। शहीद के बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी पूछताछ की और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। विधायक सोहना कंवर संजय सिंह ने सीएम को गांव के विकास के संबंध में भी जानकारी दी। गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानीराम मंगला ने गांव की गौशाला से संबंधित मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया।